देखो हम लोग अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिए। हम लोग इस चैप्टर में पढ़े कितना टाइप का, डिफरेंशियल राइट ऑफ इशू में क्या रूल है, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट में क्या रूल है, स्वेट इक्विटी शेयर का क्या रूल है। उसके बाद हम लोग पढ़े अगर प्रीमियम पे शेयर दे तो प्रीमियम मनी का क्या कर सकते हैं। शेयर सर्टिफिकेट रिलेटेड रूल पढ़े, इशू ऑफ बोनस शेयर एंड इशू ऑफ राइट शेयर पढ़ लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ या ESPS या ESOS का क्या रूल है। कंपनी अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देता है या एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम देता है या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम देता है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेजिंग स्कीम देता है, मतलब सीधा सा बात है, मतलब एक ही है, अपने एम्प्लॉय को शेयर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो लोग कंपनी में या तो कुछ वैल्यू एडिशन किया है या अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी को दे रहा है वो लोग, इसलिए कंपनी वो लोग को अपनी तरफ से शेयर कम रेट पे दे रहा है, फ्री में नहीं देता है जनरली ये सब शेयर, कम रेट पे देता है। तो यहाँ पे मीनिंग लिखा शेयर इशू टू एम्प्लॉय। कंडीशन क्या है? सबसे पहले SR पास करना पड़ेगा। परमानेंट एम्प्लॉय को ये शेयर दे सकते हो खाली या डायरेक्टर को दे सकते हो, अपने सब्सिडियरी होल्डिंग या एसोसिएट कंपनी के एम्प्लॉय को भी दे सकते हो। किसको नहीं दे सकते? प्रमोटर को नहीं दे सकते इशॉप, या फिर डायरेक्टर हु बाय हिमसेल्फ और रिलेटिवली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड 10% इक्विटी शेयर, या वो डायरेक्टर जो कंपनी में 10% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्ड करके बैठा है अकेला खुद या उसका रिलेटिव के साथ मिलके। अगर वो 10% से ज़्यादा शेयर होल्ड करता है तो उसको ईशॉप नहीं मिल सकता, वरना नॉर्मल डायरेक्टर को ईशॉप दिया जा सकता है। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट रूल, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अगर शेयर किसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसफ़र का मतलब होता है वॉलेंटरी, तुम अपनी इच्छा से बोल रहे हो मेरी जगह अब मेरा शेयर होल्डर ये होगा, पवित्र बोल रहे हैं मेरी जगह शेयर होल्डर पापा होंगे, तो ये अलाउड है। ट्रांसफ़र बोलते हैं वॉलेंटरी। तो रिकॉर्ड ओनली इफ बोथ एज नेम एज होल्डर ऑफ बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इन डिपॉजिटरी। पहला बात, ये ट्रांसफ़र तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों का डीमेट अकाउंट हो, दोनों का डिपॉजिटरी अकाउंट हो। ड्यूली स्टैम्प डेट एंड नेम एंड एड्रेस मेंशन होना चाहिए। विद इन 60 days डिलीवरी फ्रॉम टू कंपनी फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। 60 दिन के अंदर तुमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा वो नॉमिनी कौन है जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा। पार्टली पेड ऑफ शेयर ट्रांसफ़र नॉट टू बी रजिस्टर्ड। पार्टली पेड ऑफ शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अनलेस कंपनी गिव नोटिस एंड विद इन 2 वीक नो वन रेज एन ऑब्जेक्शन। तो कंपनी अगर नोटिस जारी करता है और 2 हफ्ते में पहले कंपनी 2 हफ्ता चेक कर लेगा कि कोई आगे ऑब्जेक्शन कर रहा है क्या इस ट्रांसफ़र पे, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है तो कंपनी ट्रांसफ़र अलाउ कर देगा। ट्रांसमिशन ऑफ राइट ये लॉ के थ्रू होता है, लॉ फोर्स किया है कि एक आदमी का शेयर दूसरे के नाम पे ट्रांसमिट हो। तो ट्रांसफ़र वॉलेंटरी होता है, मेंबर खुद डिसाइड कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑपरेशन ऑफ लॉ है, मतलब कानून फोर्स कर रहा है, कोर्ट या लॉ फोर्स कर रहा है कि ये शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए। ये 1 महीने में जिस दिन कोर्ट बोला उस दिन के 1 महीने में हो जाना चाहिए, और अगर नहीं करते हो ऐसा तो पेनल्टी लगेगा 25,000 से 5 लाख तक का कंपनी के ऊपर और 10,000 से 1 लाख तक का हर ऑफिसर के ऊपर। तो ट्रांसफ़र वॉलेंट्री है, तुम लोग खुद कर रहे हो, ट्रांसमिशन लॉ का फोर्स से है, लॉ करवा रहे हैं। मतलब लॉ फोर्स क्यों करता है? अब ऐसा कुछ मतलब इलीगलिटी आता है तुम्हारे हाथ में शेयर का, मान लो कंपनी का डायरेक्टर के पास ऐसा कुछ शेयर एक्स्ट्रा शेयर आ गया जो लॉ के हिसाब से अलाउड नहीं है, तो लॉ इन्फोर्स करेगा शेयर किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र हो। हाँ, तो लॉ ऐसे थोड़ी ना जबरदस्ती किसी का ट्रे किसी को भी दिला देगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बाईबैक ऑफ शेयर। बाईबैक का मतलब क्या होता है? कंपनी अपना इशू किया हुआ शेयर वापस ले रहे पब्लिक से, डिबेंचर और प्रिफरेंस शेयर जब वापस लेते हैं तो वर्ड क्या यूज होता है? रिडेम्पशन। और जब इक्विटी शेयर वापस लेते हैं तो वर्ड यूज होता है बाई बैक, सेक्शन 68
एंड सेक्शन 77, ये दो बायबैक के बारे में रूल लिखे हैं। देखो पहले हम बायबैक का मतलब लिखा है परचेजिंग ऑफ ओन शेयर बाय द कंपनी, और हमेशा ये प्रीमियम पे ही बायबैक करेगा क्योंकि पार या डिस्काउंट में पब्लिक कभी कंपनी को वापस शेयर देना ही नहीं चाहेगा, पब्लिक बोलेगा मेरा क्या फ़ायदा। तो जनरली बहुत हाई प्रीमियम पे बायबैक होता है। बायबैक क्यों करता है कंपनी? एनी आंसर, बायबैक क्यों करता है कंपनी? सोचिए, वो जो शेयर जो ले लिया ना पब्लिक से, हाँ, तो वो सर तो फिर रीइशू कर सकता है ना? मतलब नहीं नहीं कभी नहीं, रीइशू करना ही है तो पब्लिक को तो दिया भाई था, फिर पब्लिक से लेके रीइशू क्यों? ना बिल्कुल नहीं। कोई अदर रीजन दिमाग में आ रहा है किसी के? कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ, कंपनी चाह रहा है शेयर होल्डर का और बाहर वालों का पैसा रख के क्यों धंधा करें? ह्यूज प्रॉफिट्स हुआ है, कंपनी का अपना रिजर्व एंड सरप्लस इतना ज़्यादा है कि कंपनी को लग रहा है कि एक्सटर्नल मनी पे काम क्यों करें। तो शेयर होल्डर को ऑफर देता है, हेडेक हो गया। हाँ, अरे भाई उन लोगों को हर समय उन लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्ट लाना पड़ेगा। स्वास्थ्य कुछ बोल रहे थे सर, रिपीट करिए। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कंपनी बायबैक क्यों करता है? बायबैक का मतलब पब्लिक से शेयर वापस लेना। क्यों करता है? कंपनी के पास ह्यूज रिजर्व्स एंड सरप्लस है, बहुत अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हुआ है, कंपनी चाह रहा है एक्सटर्नल के ऊपर बिजनेस नहीं करें, आप बाहर वालों का पैसा भी क्यों बिजनेस करें? हमेशा डिसीजन मेकिंग में उनको बुलाओ, उनको हिस्सेदारी में रखो, तो कंपनी थोड़ा नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम कर देता है। पूरा बायबैक कभी नहीं होता, एक पूरा कि कंपनी का सारा शेयर बायबैक हो गया, एक लिमिट है, वही लिमिट इस पार्ट में पढ़ने वाली है। सबसे पहले हम लिखा सोर्स ऑफ मनी, बायबैक के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? कुछ फ्री रिजर्व पड़े हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, या दूसरे क्लास का शेयर इशू करके पैसा उठा सकते हैं। हम प्रिफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू करके पैसा उठाया और वो पैसा से इन लोगों को पैसा चुका दिया, ये कर सकते हैं। इक्विटी शेयर वालों को अगर हमको बायबैक करना है, मेरे पास फंड प्रॉफिट्स यूज हुए लेकिन पीएल और रिजर्व ये तो सब बुकिश एंट्री है ना, पीएल रिजर्व का मतलब एक्चुअल कैश अवेलेबिलिटी होता है क्या? बोलो। नहीं, रिजर्व का मतलब कभी भी एक्चुअल कैश अवेलेबिलिटी नहीं है, पीएल रिजर्व मतलब बुक्स में ह्यूज प्रॉफिट हुआ है, पैसा बिजनेस में कहने का इन्वॉल्व हुआ है, तो फंड तो चाहिए उनको चुकाने के लिए, तो कैश चुकाना पड़ेगा कि उनको भी सिर्फ बुक में एंट्री करके दिखाओगे बायबैक का? शेयर होल्डर्स को सिर्फ बुक में एंट्री करके दिखाओगे बायबैक का कि पैसा चुकाओगे? पैसा तो चुकाना पड़ेगा, एकदम चुकाना पड़ेगा भाई, एकदम चुकाना पड़ेगा। तो फंड अवेलेबिलिटी का क्या क्या तरीका है? या तो तुम्हारे पास एक्चुअली कोई फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा है, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाला पैसा साइड रख दिए थे, या फिर कोई शेयर या अदर सिक्योरिटी, मतलब इक्विटी शेयर छोड़ के कोई भी अदर सिक्योरिटी इशू करके पैसा अरेंज कर रहे हो, या कोई एसेट बेच के पैसा अरेंज की हो। सो कंपनी मस्ट हैव सफिशिएंट बैलेंस टू बाई बैक, पहले फंड अरेंज कर लो उसी के बाद बाई बैक डिक्लेयर करना। अच्छा, बैंक को जो शेयर देता है ना कभी कभी कंपनी, वो जो अदर देन कैश जो होता है गिरवी रखता है, मतलब उसका केस, उसका केस में क्या बाई बैक हो सकता है? नहीं, उसका केस में बाई बैक कैसे होगा? उनको तो तुम शेयर गिरवी रखा है, इशू थोड़ी ना कर दिया एक्चुअली में, एक्चुअली में इशू थोड़ी ना हुआ है। नहीं, इशू तो नहीं हुआ। तुम्हारा एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कल को लोन चुका देते हो तो यही तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा। हाँ, तो ये बायबैक के कहानी में नहीं आएगा। और कोई कुछ बोल रहा था? नहीं ठीक सर, ठीक है। और दो इम्पोर्टेंट रूल क्या है? तुम्हारा आर्टिकल्स में परमिशन होना चाहिए, शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग में एसआर पास करो, ईजीएम बुलाओ और एसआर पास करो, ये दो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। अब कितना बायबैक कर सकते हैं? क्या सारा शेयर बायबैक कर लिया हम? मेरा 10 लाख शेयर बेचा हुआ मार्केट में, नहीं कर सकते सारा शेयर है तो? नहीं कर सकते, कुछ लिमिट है। पहले एक बात बोल देते हैं, 10% तक का अगर पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व मिला के तो
तुम्हारे कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल मान लो 80 करोड़ है और 10 करोड़ का तुम्हारे पास फ्री रिजर्व है, तो टोटल कितना हो गया? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 90 करोड़। 90 करोड़ का 10% 9 करोड़, 9 करोड़ रुपीज तक का बाईबैक अगर तुम कर रहे हैं तो तुमको शेयर होल्डर का परमिशन का दरकार नहीं है। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ये फैसला कर सकते हैं, मतलब 10% तक का बाईबैक बोर्ड रिजोल्यूशन से भी पास हो सकता है। बोर्ड मीटिंग में भी ये डिसीजन पास हो सकता है, शेयर होल्डर तक जाने का दरकार नहीं है। उससे ऊपर है तब एसआर पास करो जनरल मीटिंग में, ठीक है? अब आता है अगर सब तो अगर सब शेयर बायबैक कर लेंगे तो शेयर होल्डर ही नहीं बचेगा कंपनी में। हाँ, तब तो आ रहा, मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। पवित्र, अगला ही आंसर आ रहा है तुम्हारा, कितना बायबैक कर सकते हैं शेयर होल्डर बाई एस आर कैन अप्रूव अप टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इन ई नहीं है। 25% पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा का बाईबैक नहीं कर सकते। मेरा एग्जाम्पल में क्या था, 80 करोड़ तुम्हारा पेड अप कैपिटल है, 10 करोड़ का फ्री रिजर्व है, 90 करोड़, 90 करोड़ का 25% कर दीजिए 22.5, 22 करोड़, 22.5 करोड़। 90 करोड़ का आधा 45, 45 का आधा 22.5, तो 22.5 करोड़ का तुम शेयर होल्डर से परमिशन लेके बायबैक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ। और एक क्राइटेरिया, और दोनों क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, आफ्टर बायबैक तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो, पोस्ट बायबैक तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो, मैं एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा अभी वाला एग्जांपल में कितना बायबैक आया था, 22.5 करोड़ बायबैक कर सकते हैं हम शेयर होल्डर का परमिशन लेके। अब हम एक और तुम्हारे सामने क्राइटेरिया रख देते हैं, देखो दोनों में से मिनिमम कौन सा हो रहा है। सेकंड क्राइटेरिया डेट इक्विटी रेशियो 2:1, इक्विटी शेयर बायबैक करने के पहले मेरा इक्विटी शेयर था 80 करोड़ का, मान लो मेरा लोन था 60 करोड़ का, यानी लोन था 120 करोड़ का, तो रेशियो क्या था बायबैक के पहले? बोलो बोलो, निकाल के दिखो। 120 करोड़ मेरा डेट था बायबैक के पहले और मेरा इक्विटी है 80 करोड़। डेट बाय इक्विटी ना? हाँ। और इक्विटी कितना है? इक्विटी में रिजर्व प्लस सरप्लस दोनों आएगा ना। डेट बाय इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता था? डेट में आता था लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। बारह भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारा आ रहे, सुनो मेरा, पहले दोबारा फिगर सुन लो। डेट है तुम्हारा 120 करोड़, ठीक है, और तुम्हारा इक्विटी है 90 करोड़, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1.33। 120 डिवाइडेड बाई 90, तुम्हारा रेशियो 1.33 था, 1.33:1, तो 2 से कम था, 2 से कम है। चलो ठीक है, बायबैक के बाद इक्विटी कितना रह जाएगा? 90 माइनस 22.5, 67.5 करोड़ तुम्हारा। तुम्हारा डेप्ट है 120, इक्विटी 67.5, 1.77 रेशियो आ रहा है। हाँ हाँ, आपका बायबैक रेशियो आ रहा 1.77। अभी डबल से कम है, 2 से कम है, तो तुम 22.5 करोड़ का बायबैक कर सकते हो, कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरा इक्विटी प्लस रिजर्व मिला के था 100 करोड़, इक्विटी प्लस मिला के 100 करोड़ था, और मेरा डेप्ट 120 करोड़, तो पहले रेशियो क्या था? 1.2 तो स्वास्थ्य क्लियर है तो ये बात जो हम बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। अब मेरा मान लो 25% मेरे को शेयर होल्डर अप्रूवल दे दिया बायबैक करने का, क्योंकि मैक्सिमम शेयर होल्डर कितना अप्रूवल दे सकता है? 25% ऑफ पेड कैपिटल प्लस 1/4, तो यानी 25 करोड़ बायबैक का हमको अप्रूवल मिल गया। हाँ, तो अब मेरा नया रेशियो क्या हो जाएगा? 120 मेरे को ये देखना है मेरा रेशियो डबल क्रॉस नहीं हो,
हम एक और एग्जांपल लेते हैं ढंग का, ताकि डबल क्रॉस वाला कहानी बैठे। रुको, ठीक है, एक सेकंड कर, एक सेकंड रुको। हम एक वो बना रहे, क्या बोलते हैं, रेशियो था मेरा पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो था, पहले मेरा डेप्ट था मान लो 160 करोड़ और इक्विटी था 100 करोड़। डेप्ट कितना है? 1.6। हाँ, 160 करोड़ और इक्विटी था मेरा 100 करोड़। तो पहले मेरा 1.6 रेशियो था। अब मेरे को शेयर होल्डर 25% बायबैक का परमिशन दिया, तो मेरा नया इक्विटी कितना हो जाएगा? 75 करोड़। 2.1। हाँ, तो 160 डिवाइडेड बाय 75 दो से कम रहे। हाँ, दो से क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों 25% जो है, 25% के कम भी तो हो सकते है ना। हाँ बिल्कुल, वही तो बोले, 25% से कम का रिजोल्यूशन पास करवाओ। ठीक है, तो तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो कभी भी डबल क्रॉस नहीं करना चाहिए बायबैक के बाद। तो मैक्सिमम शेयर होल्डर 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का बायबैक का परमिशन दे सकता है इन ईयर, और तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो भी डबल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और आखिरी कंडीशन है, तुम्हारा इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तो तीन क्राइटेरिया है, 25% से ज़्यादा का शेयर होल्डर परमिशन नहीं दे सकता एसआर पास करके, डेप्ट इक्विटी रेशियो डबल क्रॉस नहीं करना चाहिए, और शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, पार्टली पेड अप शेयर का बायबैक नहीं होता। अगला हेडिंग पे आते हैं, टाइम गैप बिटवीन टू बायबैक्स। अगर तुम आज एक बार बायबैक किया तो अगले एक साल तक दोबारा बायबैक नहीं कर सकता। मतलब दो बायबैक के बीच में गैप एक साल से ज़्यादा का होना चाहिए। अब बायबैक करने का तीन तरीका होता है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। सब शेयर होल्डर को बोलो कि थोड़ा थोड़ा शेयर वापस दे दें, पहला तरीका। दूसरा तरीका ओपन मार्केट, कंपनी खुद बाजार से अपना शेयर खरीदना स्टार्ट कर दे मार्केट प्राइस पे। और तीसरा तरीका है, जिन एम्प्लॉयज को शॉप बेचा था उनको बोले कि आप लोग अपना शेयर वापस दे दो और पैसा ले लो। तो तीन तरीका है बायबैक का, ठीक है, क्लियर है ये। आखिरी रूल आता है बायबैक का, एक बार तुम बायबैक कर लिया तो अगले 6 महीना तक उस क्लास का शेयर दोबारा इशू नहीं कर सकता। अरे भाई, तुम तो बायबैक यही बोल के किया था ना कि तुम्हारे पास बहुत फंड अवेलेबल है, तुमको पैसे का दरकार ही नहीं है बाजार का, तो अब तुम क्यों वापस शेयर इशू करके पैसा अरेंज कर रहे। तो अगले 6 महीना तक बायबैक करने के बाद तुम दोबारा मार्केट में वही क्लास का शेयर इशू करके पैसा अरेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मेरा बायबैक का कंडीशंस था। तो बायबैक पढ़ लिया, अगले टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, कुछ और भी कंडीशन है बायबैक का, छोटा छोटा कंडीशन है, फटाफट कर रीड करते हैं। मस्ट बी कंप्लीटेड होल प्रोसेस विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एसआर। जिस दिन एसआर पास किया उसके 12 महीने के अंदर बायबैक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लो। मस्ट सबमिट टू आरओसी एंड सेबी डिक्लेरेशन रिगार्डिंग सॉल्वेंसी। एक डिक्लेरेशन दो आरओसी और सेबी में कि तुम्हारा कंपनी सॉल्वेंट है, तुम बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। इन केस ऑफ फिजिकल शेयर बायबैक, बायबैक अगर तुम, अब तो फिजिकल शेयर नहीं होता, अब तो सारा डीमैट अकाउंट में है, तो बस खाली कैंसिल कर दो। लेकिन पहले क्या होता था ना, जब फिजिकली शेयर इशू होता था तो बायबैक में वो सर्टिफिकेट वापस लेते थे और उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो पवित्र, तुम्हारा वाला बात, वही शेयर हम किसी को दोबारा री इशू नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय कर देते थे उन शेयर को। एंड नो फर्दर इशू टिल 6 मंथ, बोले ना 6 महीने तक दोबारा शेयर इशू नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर किसी को बोनस शेयर देने का तुम प्रॉमिस किए थे तो वो तो देना पड़ेगा। ईसॉप दे सकते हो, शेयर वारंट को शेयर में कन्वर्ट करना है वो कर सकते हो, या अदर कोई सिक्योरिटी को तुम बोले थे डिबेंचर इशू किए थे कन्वर्टिबल, अब डेट आ गया उसको कन्वर्ट करने का। मतलब पैसा में तुम शेयर इशू नहीं कर सकते, ये सब में तो तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा ना। शेयर वारंट को कन्वर्ट कर रहे हो, डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, बोनस शेयर इशू कन्वर्टेबल होना चाहिए। हाँ, अब आरओसी को और सेबी को 30 दिन के अंदर इसका एक रिटर्न फाइल करोगे कि तुम्हारा पूरा बायबैक का प्रोसेस कैसे हुआ। मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ बायबैक, बायबैक का एक रजिस्टर मेंटेन करोगे, किस आदमी से कितना शेयर वापस लिए।
नो बाई बैक इन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिडम्पशन। अगर इंटरेस्ट चुकाने में या रिडम्पशन का डेट आ गया था लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस और डिबेंचर वालों को पैसा नहीं चुका पाए तो बाई बैक भी नहीं कर सकते। एक तरफ तुम उन लोगों का पैसा नहीं चुका पा रहे हो और एक तरफ शेयर होल्डर को ये बोले मैं बस बहुत पैसा अपना शेयर वापस दे दो, ये अलाउड नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट चुकाने में तुम डिफॉल्ट कर रहे हो या रिडम्पशन का डेट आ गया प्रेफरेंस और डिबेंचर को रिडीम करने में डिफॉल्ट कर रहे हो तो बाई बैक नहीं कर सकते। एंड नो बाई बैक फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी से अपना शेयर वापस नहीं ले सकते बाई बैक के नाम पर। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब फटाफट का टॉपिक है प्रेफरेंस। होल्डिंग सब्सिडियरी में, होल्डिंग सब्सिडियरी शेयर का क्या होता है, मतलब दो कंपनी का क्या खरीद लेता है क्या एक कंपनी और दूसरा कंपनी का? सुन लो, हमारा पवित्र लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, नीरज लिमिटेड भी एक कंपनी है, दोनों अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। पवित्र लिमिटेड क्या किया, नीरज लिमिटेड का 50% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिया। तो पवित्र लिमिटेड नीरज लिमिटेड का क्या चलाएगा, होल्डिंग, दोनों अपना अपना अलग बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिजनेस मिक्स हो जाएगा, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास मेरी कंपनी का, तुम्हारे पास मतलब पवित्रों के पास नहीं, पवित्रों के पास नहीं, पवित्र लिमिटेड के पास मेरा कंट्रोल चला जाएगा, मेरा डिसीजन मेकिंग पावर, प्रॉफिट में हिस्सेदारी, ये सब चला जाएगा। तो एक तरीके से पवित्र लिमिटेड नीरज लिमिटेड का शेयर होल्डर बन गया, ये होता है होल्डिंग सब्सिडियरी का काम, ठीक है। तो कोई मिक्स नहीं हो गया बिजनेस, अभी भी तुम पवित्र लिमिटेड अभी भी एक सेपरेट कंपनी है, नीरज लिमिटेड अभी भी एक सेपरेट कंपनी है, नीरज लिमिटेड बंद नहीं हो गया, लेकिन अल्टीमेटली एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर परचेस कर लिया। हाँ, एक, एक बोल सकता है तुम एक कंपनी दूसरे कंपनी का बॉस बन गया। हाँ, जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर वो बॉस हो जाता है ना, जैसे अभी रिलायंस अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बॉस हम लोग किसको बोलेंगे, मुकेश अंबानी को, अंबानी। हाँ, क्यों, क्योंकि अंबानी के पास मोर देन 50% शेयर है, लेकिन अंबानी को, अंबानी आदमी है, अंबानी खुद कोई कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर अंबानी के पास रिलायंस का 51% से ज्यादा शेयर है, और हम यहाँ बोल रहे हैं पवित्र लिमिटेड के पास नीरज लिमिटेड का 51% से ज्यादा शेयर है, यानी पवित्र का कंपनी मेरी कंपनी का होल्डिंग बन गया और हम पवित्र की कंपनी का सब्सिडियरी बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रेफरेंस शेयर, और दो टॉपिक बचा प्रेफरेंस शेयर की। देखो एकदम बिगिनिंग में अगर हम नोट सिखाएं, हम यहाँ बोला था ना तीन हेडिंग है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। इक्विटी शेयर का रूल हम लोग सारा पढ़ लिए, अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का रूल पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म। प्रेफरेंस शेयर का क्या रूल है, प्रेफरेंस शेयर को दो प्रेफरेंस, दो फायदा मिलता है और दो नुकसान है। पहला फायदा है कि उनको डिविडेंड, उनको फिक्स मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा और इक्विटी वालों से पहले मिलेगा। दूसरा बात, जब कंपनी बंद होगा तो उनको पैसा मिलेगा इक्विटी वालों से पहले, मतलब उनको मौका मिलेगा कि इक्विटी से पहले उनको पैसा मिले, अगर पैसा बचता है कंपनी में तो। और दो नुकसान क्या है, इनको वोटिंग राइट करने का पावर नहीं है, और एज इनका शेयर मार्केट में शेयर लेस फ्लक्चुएट होता है, ज़्यादा अप डाउन नहीं होता, तो शेयर होल्डर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता प्रेफरेंस शेयर का, शेयर को बेच के या खरीद के। तो इनका वोटिंग राइट नहीं है AGM में, और इनका शेयर भी लेस फ्लक्चुएट होता है, ये दो नुकसान है शेयर होल्डर को। पैसा लगाने वाले ओनर है, एक होता है ना वो स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनरशिप नहीं करते थे, मेन पार्टनर डे टू डे एक्टिविटी में हिस्सा लेता था। हाँ, और स्लीपिंग पार्टनर क्या एक्टिविटी में हिस्सा लेता था क्या, नहीं, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है वो खाली पैसा लगा दिया, उसको खाली पैसा लगाने से मतलब है, बाकी सब कुछ तुम लोग समझो, उसको उसका प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। हाँ, बोलो। एक पर्सन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर खरीद सकते है क्या? एकदम बिल्कुल खरीद सकते है, तब तो वो तो AGM में मीटिंग तो AGM में उसका वोटिंग पावर, AGM में उसका वोटिंग पावर, मान लो तुम 10 इक्विटी शेयर खरीदे
और तीन प्रेफरेंस शेयर, तो तुम्हारा एजीएम में वोटिंग पावर 10 इक्विटी शेयर का ही है। तुमको प्रेफरेंस शेयर के बेस पे कोई वोट करने नहीं मिल रहा है, तुम्हारा पावर नहीं बढ़ जा रहा प्रेफरेंस शेयर के कारण वोटिंग में। समझा? तुम्हारे पास मान लो 9 प्रेफरेंस शेयर और 1 इक्विटी शेयर है, तुम्हारे पास 9 प्रेफरेंस शेयर और 1 इक्विटी शेयर है, और सुदीप्तो के पास 10 इक्विटी शेयर है, किसका वोटिंग पावर स्ट्रांग होगा? सुदीप्तो का। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 1 इक्विटी है, तो तुम्हारा एक अगर मान लो कंपनी का 100 शेयर है तो तुम्हारे पास 1% वोटिंग, 1% वोटिंग राइट है, और सुदीप्तो के पास 10% वोटिंग राइट है। ठीक है ना पवित्रो? तो तुम्हारा वोटिंग पावर या वोटिंग राइट इक्विटी शेयर के बेस पे गिना जा रहा है। और सुदीप, तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले सिर्फ पैसा लगाने में बिलीव कर रहे हैं, वो लोग अच्छा रिस्क बियर करने को तैयार नहीं है, देख लो। हाँ, वो लोग ज्यादा मतलब ना क्या बोलते हैं, कंपनी को प्रॉफिट कम भी हो तो भी उनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, उनको ज्यादा प्रॉफिट का भी हक नहीं है, वो लोग मेन ओनर नहीं है, वो लोग एक तरीके से स्लीपिंग ओनर है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इनका फायदा है कि इनको डिविडेंड फिक्स मिलेगा और इक्विटी शेयर वालों से पहले मिलेगा, और दूसरा बात, कंपनी जब बंद होगा इनको पहले पेमेंट होगा। और दो नुकसान है, इनका वोटिंग राइट नहीं है एजीएम में। इनका वोटिंग राइट किस मीटिंग में है? एक मीटिंग में इनका वोटिंग राइट है। रुके बोल रहे हम क्लास मीटिंग कल पढ़े थे ना? हाँ हाँ हाँ, चार टाइप का मीटिंग होता है। मीटिंग का नाम है बोर्ड मीटिंग, एजीएम, ईजीएम, क्लास मीटिंग, और लास्ट था स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्लास मीटिंग, वही भूल जा रहा। क्लास मीटिंग में इनका वोट करने का राइट है, क्योंकि क्लास मीटिंग मतलब सिर्फ प्रेफरेंस शेयरहोल्डर का मीटिंग बुलाया गया। हाँ, क्लास मीटिंग में तो होगा ना? हाँ, क्लास मीटिंग ही तो होगा। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर यही प्रेफरेंस शेयर का पावर है। अब प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं? कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, चार टाइप का कैटेगरी है, हर एक में दो दो। कम्युलेटिव मतलब अगर तुमको हम प्रेफरेंस शेयर देते वक्त उसके ऊपर लिखा हुआ है कि तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो जिस साल लॉस होगा तुमको डिविडेंड नहीं मिला, जिस साल प्रॉफिट होगा पिछला साल प्लस इस साल दोनों का डिविडेंड मिल जाएगा। तुम्हारा डिविडेंड कम्युलेट हो रहा है, तुम्हारा डिविडेंड एड ऑन हो रहा है। नॉन कम्युलेटिव मतलब जिस साल लॉस हुआ उस साल डिविडेंड भूल जाओ, जिस साल प्रॉफिट हुआ सिर्फ उसी साल का डिविडेंड, नॉर्मल उसी साल का डिविडेंड मिलेगा। रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कंपनी जब डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू करता है उसके ऊपर लिख देता है कि यह कंपनी वापस कब लेगा, अगर लिख के दिया है तो रिडीमेबल है, अगर नहीं कुछ लिखा है मतलब नॉन रिडीमेबल है, मतलब कंपनी चाहे तो ले, कभी चाहे तो कभी भी नहीं ले, मतलब कंपनी के मन के ऊपर है लेना चाहे कि नहीं लेना चाहे। और अगर रिडीमेबल लिख दिया है तो टाइम पीरियड भी मेंशन होगा, उस एक्सपायरी ऑफ पीरियड के बाद तुम्हारा कंपनी तुमको पैसा देगा डिवेंचर प्रेफरेंशियल वापस या डिवेंचर वापस ले लेगा। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, जनरली तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर में फिक्स डिविडेंड है ना, उन लोगों को बुलाया था नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो उनको और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वही फिक्स डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, ये बहुत कम होता है, बहुत कम कंपनी करता है, अगर तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर के ऊपर लिख दिया है पार्टिसिपेटिंग तो तुमको तुम्हारे फिक्स डिविडेंड के अलावा अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा, इक्विटी जितना तो नहीं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, अगर कंपनी डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू करते वक्त उसके ऊपर कन्वर्टिबल लिखा है, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद कंपनी तुमसे डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर वापस ले लेगा और तुमको इक्विटी शेयर दे देगा उसके बदले में, मतलब तुम्हारा डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया। हाँ, और नॉन कन्वर्टिबल मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही रहो, या तुम डिवेंचर होल्डर हो तो डिवेंचर होल्डर ही रहो, वो कन्वर्ट नहीं होगा इक्विटी शेयर में कभी भी। तो ये 8 कैटेगरी है या 4 कैटेगरी है, उनमें दो 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 हर एक के अंदर है। अब आ जाते हैं डिबेंचर के ऊपर। डिबेंचर का मतलब क्या है? एक टाइप का लोन है, एक टाइप का एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो डिबेंचर आर टाइप्स ऑफ लोन। एक टाइप का एक डॉक्यूमेंट है, डिबेंचर कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ तुम कंपनी को इतना उधार दिए।
ठीक है, उसके बिया में वो इंटरेस्ट देगा। हाँ, जनरल पब्लिक से जब लोन लेते हैं, हम डायरेक्टली जनरल पब्लिक से लोन नहीं ले सकते एज अ कंपनी, तो हम ये डिबेंचर के तरीके से लोन लेते हैं जनरल पब्लिक से। डिबेंचर रिडेम्पशन होता है तो उसका पैसा कहाँ से आएगा, या तो कोई प्रॉफिट अवेलेबल है वहाँ से यूज करो, या फिर डिबेंचर को छोड़ के कोई और क्लास का शेयर इशू करो, मतलब इक्विटी या प्रिफरेंस, वहाँ से पैसा अरेंज करके डिबेंचर रिडीम कर सकते हो। कई बार डिफरेंशियल डिवेंचर का डिफरेंस क्या है शेयर के साथ, यहाँ पे एक हेडिंग बनाया जैसे, ये फालतू है, ये तुम्हारा एमसीक्यू में काम नहीं आएगा, बट फिर भी एक बार रीड कर देते हैं। डिफरेंस क्या है शेयर्स के साथ, शेयर और वो शेयर क्या कहलाता है, कैपिटल, जबकि डिवेंचर क्या कहलाता है, बोरोड फंड। शेयर पे डिविडेंड मिलता है, बोनस पे डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है। शेयर पे कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं होता, तुम रिलायंस का शेयर खरीदेगा, रिलायंस कोई एसेट गिरवी नहीं रख रहा तुम्हारे नाम पे, लेकिन डिबेंचर में जनरली एसेट गिरवी रहते हैं, क्योंकि डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं, मॉर्गेज होते हैं, एंड डिबेंचर होल्डर को कोई अच्छा, कोई पब्लिक के पब्लिक को पब्लिक सोचिए, हम आपके से आपको डिबेंचर लिए, मतलब कंपनी आपको डिबेंचर दिया, हाँ, तो कोई एसेट भी क्या देगा क्या, मतलब हमको नहीं देगा पब्लिक, कंपनी एसेट गिरवी ऐसे नहीं रखता, ये पब्लिक को दे देगा, फिर बिजनेस कैसे करेगा, मशीन अगर मेरे को दे देगा नहीं, वो कंपनी में ही रहेगा, लेकिन वो मेरे नाम पे सिक्योर्ड हो जाएगा, कंपनी उसको बेच के उस पैसा को, कंपनी उसको बेच के उस पैसा को कहीं और यूज नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा, मेरे परमिशन के बिना वो एसेट नहीं बिक पाएगा, और या बिकेगा तो पहले मेरा पैसा चुकाओ। हाँ, वो लॉक हो गया वो एसेट, कंपनी यूज करेगा उस एसेट को। अब ऐसा थोड़ी ना कंपनी अपना ऑफिस अगर गिरवी रख के डिबेंचर इशू कर रहा है, तो ऑफिस मेरे को दे देगा, तो कंपनी बिजनेस किस में करेगा, मशीन अगर रख के मशीन मेरे को दे देगा तो प्रोडक्शन किससे करेगा, तो कंपनी वो एसेट अपने पास ही रखता है, लेकिन मेरे नाम पे सिक्योर्ड, उसको कहीं बेच नहीं सकता। इसीलिए कल एक वर्ड यूज किया था हम, पब्लिक ट्रस्टी। वो पब्लिक ट्रस्टी यही नजर रखता है कि कंपनी वो डिबेंचर्स कहीं बेच तो नहीं, कहीं वो एसेट बेच तो नहीं दिया ना जो गिरवी रख रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन डिबेंचर के ऊपर, डिबेंचर कितना टाइप का होगा, वही सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, मतलब अगर एसेट गिरवी रख के डिबेंचर इशू हुआ है तो सिक्योर्ड, एसेट बिना रखे डिबेंचर इशू हुआ तो अनसिक्योर्ड। जनरली एसेट सिक्योर्ड ही होता है, डिबेंचर सिक्योर्ड ही होता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू नहीं होता। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल अभी वही पढ़े, सेम मीनिंग है। रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल सेम मीनिंग है। रजिस्टर्ड और बियर्ड, रजिस्टर्ड और बियर्ड मतलब होता है, रजिस्टर्ड मतलब डिबेंचर का डॉक्यूमेंट के ऊपर तुम्हारा नाम मेंशन है कि पवित्र को डिबेंचर दिए, और बियर्ड मतलब कोई नाम मेंशन नहीं है, बस डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास इतना डिबेंचर है, और वो कागज जिसके हाथ में वही उस डिबेंचर का मालिक। तुमसे अगर खो गया और मेरे को मिल गया तो वो डिबेंचर का पैसा हम उठा सकते हैं, अगर बियरर है तो, और अगर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है वो, तो उस पर पवित्र होल्डर का नाम छपा होगा, तो हम कंपनी में लेके जाएगा तो कंपनी मेरे को पैसा नहीं देगा। और आखिरी टाइप का डिबेंचर होता है फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज क्या होता है, मान लो एक मशीन है मेरे पास 2 करोड़ का, और हम 50 लाख का डिबेंचर इशू किया, मान लो एक ही मशीन और हम मशीन ही सिक्योर रख रहे हैं, तो 2 करोड़ का मशीन और 50 लाख का डिबेंचर, मान लो अब एक बार के लिए वो एसेट गिरवी रख के 50 लाख का डिबेंचर इशू किया, पैसा उठा लिया, अब हमको फिर से 30 लाख रुपए का दरकार है, हम और डिबेंचर इशू किया, हम वही मशीन को गिरवी रख दिया, कर सकता है क्या हम ये काम? नहीं कर सकते हैं। 2 करोड़ का मशीन है, अभी तो 50 लाख का एसेट का वैल्यू का गिरवी रखने का यूज हुआ है, तब तो फिर हम और कुछ अभी भी हम और 30 लाख का तो वही, मतलब ये हो गया सेकंड मॉर्गेज, तो वो लिखना पड़ता है डिबेंचर के ऊपर कि ये फर्स्ट मॉर्गेज सिक्योर्ड एसेट है कि सेकंड मॉर्गेज सिक्योर्ड एसेट है, ताकि शेयर होल्डर क्लियर रहे कि वो जिस एसेट के अगेंस्ट में पैसा ले रहे हैं वो एसेट ऑलरेडी एक बार गिरवी रखा हुआ है। अब जब वो एसेट बिकेगा तो 50 लाख और 30 लाख दोनों का पैसा चुकाया जाएगा, क्योंकि एसेट तो 2 करोड़ गया ना। चलो आखिरी टॉपिक ऑफ द डे, आखिरी 2 टॉपिक, शेयर वारंट क्या होता है, ये तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो जब हम तुम लोगों को कंपनी का फॉर्म पढ़ा रहा था। सुनो क्या होता है, बता देते हैं दोबारा 2 मिनट में। होता क्या है, मान लो तुम आज 25 मार्च है, तुम कंपनी से शेयर मांगने आए, कंपनी के पास अभी शेयर रेडी नहीं है, कंपनी क्या करेगा, तुमसे
एक सर्टेन मनी ले लेगा और तुमको एक नोट दे देगा, मतलब एक टाइप का बिल दे देगा या एक टाइप का डॉक्यूमेंट में लिख के दे देगा कि तुम इतना शेयर आके 10 अप्रैल को ले जाना। तो ये जो तुमको डॉक्यूमेंट इशू किया कंपनी, इस पे क्या लिखा हुआ है कि तुमको कंपनी से इतना शेयर मिलेगा। याद है मैं एग्जांपल ये दिया करता था, तुमको कंपनी पे भरोसा नहीं है, तुम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कंपनी तुमको बोल रहा है ठीक है भरोसा नहीं है तो एक काम करो पैसा दे दो, शेयर वारंट ले लो, शेयर मत लो शेयर वारंट ले लो, 3 महीना का टाइम दे रहे हैं, 3 महीना में तुमको कंपनी पे भरोसा हो जाए तो आके शेयर ले जाना, नहीं तो अपना पूरा पैसा वापस ले जाना, वारंट वापस दे जाना। तो शेयर वारंट एक टाइप का डॉक्यूमेंट है जिस पे ये एंटाइटलमेंट किया हुआ है कि तुमको इतना शेयर मिलेगा इतने दिन के बाद, ठीक है। एक तरीके से समझो ना, तुम दुकान में गाड़ी लेने गए, वो गाड़ी अवेलेबल नहीं था तो तुमसे टोकन मनी लेके तुमको एक स्लिप पे लिख के दे दिया ना ये गाड़ी तुमको इतना दिन बाद मिलेगा, है ना। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे हुआ। तो शेयर वारंट एक टाइप का डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू कर सकते हैं, ये फुल्ली पेड अप होना चाहिए और इसमें नो राइट ऑन वाइंडिंग अप। कंपनी बंद होगा, तुम्हारे पास शेयर वारंट है तो तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आखिरी टॉपिक ऑफ द डे, फॉरफीचर ऑफ शेयर, आर्टिकल्स में परमिशन होना चाहिए इसका। और याद है हम बोला करता था कंपनी पहले तुमको एक प्यार भरा लव लेटर भेजेगा, फिर दूसरा प्यार भरा लव लेटर भेजेगा, तुम उसके बाद भी पैसा नहीं दोगे तो एक नोटिस देगा डाइवोर्स का, 14 डेज का एक नोटिस देगा जिसमें साफ साफ लिख देगा कि या तो कॉल मनी आके दे जाओ, कॉल या अलॉटमेंट मनी जो भी बाकी है, नहीं तो तुम्हारा शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, और 14 दिन का टाइम दे रहे हैं पैसा देने के लिए। तो एक 14 डेज का प्रॉपर नोटिस जिसमें लिखा होना चाहिए कि हम शेयर फॉरफिट कर लेंगे, ये बात मेंशन होना चाहिए, 14 डेज का नोटिस दे दो बोर्ड पहले। अच्छा, नोटिस को भेजने के पहले बोर्ड मीटिंग बुला के एक रिजोल्यूशन पास कर लो। ऑब्वियस बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो डिसीजन पास करना ही पड़ेगा पहले, और बोर्ड के पास पावर है कि ये फॉरफिटेड शेयर को आगे कहीं पे भी रीइशू कर सकते हैं। हाँ, ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर।